वेलकम टू फूडोलिक। मैं हूँ इंद्राणी और आज मैं आप लोग के सामने एक बेग डिश बनाने वाली हूँ। हम लोग इसमें चिकन देंगे और मशरूम के साथ करेंगे, तो आइए देखते हैं किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने ये बोनलेस चिकन लिए है, 200 ग्राम के करीब है। इसको ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिया है, बोनलेस चाहिए हमें। ये 12 गार्लिक पीसेस है, इसे ऐसे स्लाइस कर लिया है, इसे छोटा छोटा। एक टमाटर है, इसको हम लोग प्यूरी बना लेंगे, पेस्ट कर लेंगे इसका। ये चीज क्यूब्स है। ये दो मीडियम साइज के प्याज को ऐसे स्लाइस कर लिया है। ये नूडल्स है, इसे बॉईल कर लिया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉईल है। ये भी 200 ग्राम के करीब है। बाकी मशरूम है, ये बटन मशरूम है, 5 बटन मशरूम को इस तरह से काट लिया मैंने। और ये कैप्सिकम है, ग्रीन और येलो और रेड बेल पेपर्स। यहाँ पे नमक है और ब्लैक पेपर पाउडर है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने ये पैन में रिफाइन ऑयल लिया है, इसे थोड़ा सा ही चाहिए हमें, ज्यादा नहीं चाहिए। इसको गर्म करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें मशरूम और बेल पेपर को थोड़ा सौते कर लेंगे। ये गर्म हो चुका है, अभी मैं पहले इसमें मशरूम डालूंगी। इसको थोड़ी देर 1-2 मिनट ऐसे सौते कर दूंगी। मिनट करीब मशरूम को सौते कर लिया, अभी मैं इसमें बेल पेपर्स डाल दूंगी। इसे अभी और 1 मिनट इन सबको सौते करेंगे। ये और 1 मिनट हो गया है, अभी हम लोग इसे निकाल लेंगे। हमें इतना ज्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि फिर हम लोग बेक करेंगे ही, और ज्यादा फ्राई होने से बेल पेपर का कलर चेंज हो जाता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। अभी इसी पैन में ही मैंने थोड़ा सा और ऑयल दे दिया। अभी मैं यहाँ पे पहले गार्लिक फ्राई कर दूंगी लहसुन को। इसे 1 मिनट के करीब फ्राई करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देते हैं। ये देख सकते हैं लहसुन ब्राउन होने लग गया है। अभी हम लोग इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी 1 मिनट के करीब ऐसे ही थोड़ा सौते कर लेंगे। अभी देखिए प्याज का भी 1 मिनट के करीब हो गया, इसका भी कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें ये जो हम लोगों ने टोमेटो प्यूरी कर लिया था, इसे डालूंगी। और ये सॉल्ट एंड पेपर, काली मिर्च और नमक जो है, इसे भी अभी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी में ही हमें चिकन लेना है, और चिकन को हाफ करीब कुक करना है। मैं थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन लगा दूंगी। ये देखिए हम लोग का चिकन आधा से ज्यादा थोड़ा गल चुका है, और इसमें ये जो थोड़ा सा पानी है, इसे रहने दीजिएगा, क्योंकि अभी जब हम लोग बेक करेंगे नहीं तो पूरा सूख जाएगा अगर यहाँ पे आप लोग सुखा देंगे तो। तो आइए मैं अभी लेयर करते हैं, हम लोग कैसे बेकिंग डिश में इसे लेयर करना है। तो ये बेकिंग डिश ले लिया है मैंने, आप लोग कोई भी ऐसे माइक्रोवेव प्रूफ ले लीजिएगा। इसमें हम लोग ये चिकन और ये जो पेस्ट बनाया था हम लोगों ने, इसे देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा नूडल्स देंगे।
इसका एक लेयर, ऐसा दो लेयर देंगे हम लोग। अगर आप लोग ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपके ज्यादा लेयर्स बनेंगे। और ये सेकेंड लेयर का, नूडल्स का लेयर, और फिर ये फाइनल बेल पेपर और मशरूम का लेयर। अभी मैं इसमें ये चीज ग्रेट कर दूंगी। चीज अच्छे से देना चाहिए, बेक डिश में जितना चीज होगा उतना ही अच्छा लगता है टेस्ट। और इसमें जब बेक करेंगे हम लोग, देख ध्यान देना है कि ये चीज ब्राउन कलर होने तक एटलीस्ट बेक करे, 5 मिनट के करीब में हो जाता है। अभी ये देखिए चीज दे दिया मैंने उसके ऊपर, अभी इसको माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए हम लोग बेक करेंगे। ये मैं माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए से बेक होने देंगे। 6 मिनट हो गया। अभी 7 मिनट बाद इसे हम लोग निकाल के ऐसे मैं चेक करूंगी। ये साफ निकला है, इसका मतलब हम लोग का पुडिंग बन चुका है। मैं अभी निकाल लेती हूँ इसे। अभी इसे पलटने के लिए मैं इस प्लेट को इसके ऊपर रखूंगी और इसे ऐसे पलटूंगी। हम लोग का एप्पल पुडिंग बनके तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कितना इजीली बन गया है। 7 मिनट्स लगे बेक होने में और बाकी तैयारी में मैक्सिमम 3 मिनट्स। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ट्राई करके देखिएगा और हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिए। थैंक यू। तो ये देखिए हम लोग का बेक्ड चिकन बनके तैयार हो गया है। तो जरूर ट्राई करके देखिएगा और हमें बोलिएगा आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।